मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज मेरा तो अहोई अष्टमी का फास्ट है। जिन लोगों ने भी अहोई अष्टमी का फास्ट रखा है उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये व्रत जो होता है ना, ये बच्चों के लिए होता है स्पेशली घर में। तो मैं शुरू से कशिश के लिए रखती हुई आई हूँ। मम्मी ने रखवाया था पहला व्रत, तो तब से वही करती आ रही हूँ। जैसा मम्मी ने समझाया था वैसे ही घर में हम लोग करते हैं इस दिन पूजा। सबके यहाँ ना बच्चों के लिए अलग अलग व्रत होते हैं, तो हमारी तरफ यहाँ पर ये वाला चलता है। फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ ना, फिर शाम का खाना बनाया था, सिंपल से दाल चावल बनाया, क्योंकि शाम का कुछ प्लान कर रखा था। बहुत टाइम से पूरी पूरी तो खा ही रहे, तो इस बार सोचा क्यों ना आज शाम को ना पूजा के लिए तो पूरी थोड़ी सी उतारूंगी, क्योंकि वो जरूरी होती है, बाकी छोले भटूरे बनाऊंगी। तो आज शाम को खाएंगे हम लोग छोले भटूरे। पूजा करनी होती है इसमें, ऐसे ही आप 4 बजे के बाद पूजा कर लीजिए, और उसके बाद फिर क्या होता है, तारों को आपको जल देना होता है। इसमें चांद तक का वेट नहीं करना होता, तारे जब निकल आते हैं तब आप उनको जल दे सकते हो। तो वो कहते हैं ना, बच्चे आपके तारे ही हैं आंख के। अभी मुझे कशिश से भी बात करनी है, मैंने आज सुबह से उससे बात ही नहीं करी। एटलीस्ट उससे बात ही कर लूं, अब है नहीं तो क्या कर सकते हैं। और अभी हाँ, मैं इनको खाना सर्व करती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे थोड़ा मार्केट का भी काम है। मैं पता है अभी तक करुआ नहीं लेकर आई हूँ। इस व्रत में भी हमें करुआ रखना होता है, चावल का चौक लगेगा इसमें भी, वही सब होता है जैसे करवा चौथ में करते हैं। बस करवा चौथ का फास्ट थोड़ा हार्ड ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें आप जो है चांद तक का वेट करते हो, तारे तब भी अभी जल्दी निकल आते हैं, 6 बजे के बाद आपको तारे दिखने लगेंगे सर्दियों में। फिलहाल हाँ, एक और चीज जो मुझे याद आ गई, मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, तो ब्लाइंड्स के लिए काफी लोगों ने पूछा है, और आप सबके जो कमेंट्स आए मैंने सब रीड करे, सबको हार्ट भी दिया है, लेकिन इंडिविजुअली सबको मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि फिर हर कोई एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ब्लाइंड कितने के पड़े, आपको किस मटेरियल में है। तो मैंने कहा मैं अपने ब्लॉग में बता दूंगी। तो ब्लाइंड की जो कॉस्ट है वो 5000 के अराउंड पड़ी है, और ये व्हाइट कलर में है, और ये हम लोगों ने ना नोएडा में जो शाहबेरी मार्केट है, आप लोगों ने सुना होगा अगर नोएडा के रहने वाले हो आप लोग, तो शाहबेरी मार्केट है जो पूरा का पूरा फर्नीचर मार्केट है। मैंने अपने टीआईओ टीवी पर उसका ब्लॉग भी शेयर किया हुआ है एक बार, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो वहां से हम लोगों ने ये लगवाए हैं। मेरी किचन के लिए व्हाइट इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरी पूरी किचन व्हाइट है, तो पूरा अच्छे से जा रहे हैं। अभी मैंने कुछ कमेंट्स ये भी पढ़े कि ये नीचे वाला जो आपका ब्राउन एरिया है इसे भी व्हाइट कर लीजिए, तो हो सकता है कर लें आगे चल के, अभी इतना सोचा नहीं मैंने। और तो इसमें ना देखिए, आप चाहो तो इतना खोल भी सकते हो, तो सुबह की लाइट भी आपको मिल रही है। ये देखिए सुबह की लाइट आपको मिल रही है प्रॉपर ऐसे इधर से, और चाहो तो आपको जैसे अभी दिन का टाइम है, मुझे थोड़ा सा इधर मैंने कैमरा रखा हुआ है, तो वो अभी आपने देखा होगा कितना ब्लर हो गई थी स्क्रीन, तो वो मैं ऐसे डाल लूंगी तो मेरी स्क्रीन ब्लर नहीं होगी। अगर मैंने इस साइड कैमरा रखा है, इस साइड रखा है, तो मैं इसे पूरा ओपन करके लाइट को भी ले सकती हूँ, तो दोनों ही ऑप्शन मुझे मिल रहे हैं इसमें। और पता है एक और चीज है कि किचन में ना आप कपड़े वाले नहीं लगा सकते, क्योंकि कपड़े वाले ना क्या कुछ दिन बाद ग्रीस वगैरह पकड़ लेंगे, सफाई करने में दिक्कत आएगी। इसमें हम सफाई कर सकते हैं क्योंकि वुडन के हैं। केयर तो देखो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आप घर के लिए कर रहे हो ना डेकोर में, उसकी केयर आपको एक्स्ट्रा ही करनी पड़ती है। हाँ मैं मानती हूँ कि आपके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन जब तक आपके एफर्ट्स नहीं बढ़ेंगे तब तक डेकोर में मजा नहीं आएगा। तो मजा लेना है ना और खूब अच्छा डेकोर करना है घर का, तो थोड़े एफर्ट्स लगा लीजिए। मैं अब करती हूँ यार, मैं व्हाइट किचन इतने दिनों से संभाल रही हूँ, तो मुझे पता है व्हाइट किचन संभालना इतना भी आसान नहीं है। आज मैंने ना पिंक कलर का सूट पहना है और मैं रेडी हो गई हूँ। ये सूट मैंने मीशो से मंगाया था बहुत टाइम पहले, 2 साल पहले लगभग, और ये जो दुपट्टा है ये किसी और सूट का है, इस सूट का नहीं है। तो यही चल रहा था इसके साथ, तो मैंने यही पहन लिया। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं होम सेंटर गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए, और ये लास्ट सैटरडे संडे है जो दिवाली से पहले पड़ रहा है, क्योंकि अगले संडे की तो दिवाली ही है। तो अभी मुझे गिफ्ट्स लाके रखने हैं जिससे कि मैं सब लोगों को गिफ्ट देने जा पाऊं टाइम पर। फिलहाल चलते हैं होम सेंटर, और फिर आने के बाद पूजा भी करनी है, क्योंकि आज अहोई अष्टमी की पूजा भी है मेरे घर में। चलिए, मैं हर जगह बहुत भीड़ थी, तो हमें लगा गाड़ी से जाएंगे तो हो सकता है कि ट्रैफिक में फंस जाएं। बाइक का ये होता है कि कहीं भी कोने से भी निकाल लो तो आराम से आप जगह पे टाइम से पहुंच जाते हो, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो हम लोगों ने मेरी दीदी से बाइक ली थी और हम लोग पहुंच गए गौर सिटी मॉल, और यहाँ पर बाहर ही काफ़ी कुछ स्टॉल्स वगैरह लगी रहती हैं। फेस्टिवल के टाइम पे तो खूब अच्छा सामान भी आया हुआ था,
तो आज हमने मॉल तो बिल्कुल नहीं घूमा, सीधा हमने लिफ्ट पकड़ी और डायरेक्ट थर्ड फ्लोर पर होम सेंटर है वहाँ चले गए। होम सेंटर यहाँ का थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा वैरायटी नहीं है, तो इतना मुझे पसंद नहीं आता यहाँ का होम सेंटर जितना DLF का पसंद है। लेकिन ये थोड़ा घर से पास पड़ जाता है, DLF जाने के लिए और 20-25 मिनट लगते, तो हम लोगों के पास आज इतना समय भी नहीं था, मेरा फास्ट भी था, तो हमने सोचा चलो पास वाले में ही देख कर आते हैं। होम सेंटर पूरी तरीके से सज चुका है, बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल रहा था, गिफ्ट्स के भी बहुत सारे बॉक्स वगैरह थे यहाँ पर, जो कि आप 1000 रुपीज़ के अंडर बहुत सारे गिफ्ट्स ले सकते हो। अगर आपको 500 से ऊपर के गिफ्ट चाहिए तो यहाँ पर आपको होम सेंटर में काफ़ी अच्छी वैरायटी मिल जाएगी। तो बॉक्स में इस टाइप से पैक हैं सारे गिफ्ट, क्योंकि दिवाली के टाइम पर सभी लोग इसी तरीके से देना पसंद करते हैं। तो काफ़ी कुछ मिल रहा था, मैंने आज बहुत कुछ दिखाया आप लोगों को। जैसे लैंप है, दिया है, इस टाइप के ये है, ये क्या चीज़ें ज़रा देखना प्रशांत, इस बार महंगी हो गई हैं चीज़ें, मैंने भी नोटिस किया। कितने की है ये? है 1299 की। हाँ 1299 दो। हाँ तो अच्छी है फिर उस हिसाब से। लेकिन फिर भी होम सेंटर में ना लाइट्स भी बड़ी प्यारी प्यारी मिल रही थी, 599 रुपीज़ में थी। एक तो सर्कल शेप में थी, कुछ फ्लावर शेप में थी, जलने के बाद बहुत खूबसूरत लग रही थी, कुछ उन्होंने शोकेस करी हुई थी ऊपर। तो ये भी गिफ्ट में देने के लिए बहुत अच्छा आइटम है, जो कि आपको 600 के अराउंड मिल रहा है। और ये वाली लाइट्स ना बहुत प्यारी लगती हैं पूजा वगैरह में, जब आप लगाते हैं उनमें बैटरी रहती है, काफ़ी देर चल जाती हैं। अमेज़ोन पर भी मिल रही हैं बाय द वे ये। और ये वाली जो फ्लावर वाली लाइट थी, ये आप मंदिर में जब आप सजाओ तब लगाओ, बड़ी सुंदर लगेंगी। तो यहाँ पर जो गिफ्ट्स हैं ना, जो मैं दिखा रही हूँ, उस टाइम वो 399 से स्टार्ट थे और 600-700 के अराउंड थे ये वाले जो इधर लगे हुए हैं। लेकिन ये छोटे छोटे से वो ही हैं टी लाइट होल्डर्स। और ये जो पेंटिंग मैं देख रही हूँ ना, ये 1200 कुछ की थी। लेकिन क्या आपको भी सेम लगता है जो मुझे लगता है होम सेंटर जाने के बाद, कि आजकल ना बहुत सारी चीज़ें होम सेंटर में कॉमन हो गई हैं, जो कि वो पिछले कई सालों से सेम चीज़ें लगा रहे हैं, कुछ न्यू चेंजेस नहीं लेके आ पा रहे हैं। वो मुझे फील होने लगा है आजकल, क्योंकि मैं तो पिछले कई सालों से जा रही हूँ, 5 साल से होम सेंटर, यहीं से गिफ्ट लेती हूँ, घर का भी सारा सामान यहीं से लेती हूँ, डेकोरेशन का, या फिर कभी ऑनलाइन अमेजोन वगैरह से मंगा लेती हूँ। ये 799 रुपीज़ में थे, ये एक बार मैंने गिफ्ट में दिया हुआ है अपनी फैमिली मेंबर्स में। ये ना बहुत ही छोटा सा पीस था जिसमें टी लाइट लगा सकते हो, इसमें ना पीछे 299 रुपीज विजिबल हो रहे थे। मैंने ये सोचकर उठा लिया था कि चलो घर के किसी कॉर्नर में लगाऊंगी, लेकिन इन्होंने 1 को ना बिल्कुल सेपरेट कर रखा था और 299 को एक साथ कंबाइन करा हुआ था, जिससे किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि ये जो है 299 रुपीज का है। जब आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचोगे तो आप बिल करा लोगे, आपको इतना सोचोगे नहीं। तो ये भी एक कंफ्यूजन लोगों ने कुछ मैंने देखा कुछ आइटम्स पे क्रिएट कर रखा था, जिसपे आपको लगेगा 399 है लेकिन उसके आगे 1 लगा हुआ है। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे अटपटी सी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आज कितने दिन बाद हम लोग बाइक से निकले हैं, बाइक मतलब बोले तो स्कूटी। तो मैं मार्केट से आ गई और सब लोगों के लिए गिफ्ट भी ले आई, बहुत हैवी है ये, लेकिन मैं आप सबको दिखा नहीं सकती सॉरी, क्योंकि ये गिफ्ट है। जिन लोगों को मैं देने वाली हूँ वो सब लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो उनको अपने गिफ्ट पहले ही पता चल जाएगी, फिर मज़ा कहाँ रह जाएगा, इसीलिए मैं नहीं दिखाऊंगी सॉरी। लेकिन हाँ, इसमें बहुत प्यारे प्यारे वही गिफ्ट है जो कि मैंने देखे थे आज होम सेंटर पर। तो अभी मैं आपको आंटी से मिलवाती हूँ, आंटी आज हमारे लिए छोले भटूरे बना रही हैं। आंटी क्या कर रही हो आज? आंटी हमारे लिए बना रही हैं छोले भटूरे। भैया तो छोले भटूरे बन गए छोले बन गए इधर, मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी, बिल्कुल फिट बैठे। नमक चेक कर ले, नमक ठीक है, भगवान बैठे वो सब पूर्ति करते हैं। मैंने नहीं चेक किया क्योंकि मेरा व्रत था, अब मेरी पूजा हो चुकी है तो मैं देखूंगी। और भटूरे देखिए कितने गरम गरम बन रहे हैं, बहुत अच्छे बने। आज है छोले भटूरे, लाल लाल लग रहे हैं एकदम, चीनी से तो हो जाए लाल, खैर इस बात की तो बाजार जैसे हो जाते हैं चीनी डालने से। गुब्बारे जैसा फूला है, ऐसे ही फूलने चाहिए सही, बहुत बढ़िया बना है।
मफिन तुम्हें भी खाने छोले भटूरे? मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ फेस्टिवल के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा व्लॉग शेयर कर पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, चाहे वो गिफ्ट से रिलेटेड हो, मार्केट में क्या नया आया हुआ है, क्या मैं अपने घर में चेंजेस कर रही हूँ, तो उसमें मेरा काफी सारा समय भी चला जाता है। आज सुबह से मेरा निर्जला व्रत था, एक्चुअली अहोई अष्टमी का, और मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया था। तारों को देखकर जब मैंने व्रत खोला तो बहुत तेज भूख लग रही थी। आंटी ने गरम गरम भटूरे बनाकर दिल खुश कर दिया आज सच में, और बहुत ही टेस्टी भटूरे बने थे। छोले भी बहुत अच्छे बने थे। मुझे लग रहा था मैं नमक डालना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने नमक डाला हुआ था। जब मैंने चखा तो मुझे मालूम पड़ा, कभी कभी होता है ना, आप रैंडम काम कर देते हो, आप किसी और जोन में होते हो। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और आगे भी ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोज आते रहेंगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम है तो आपको एक से एक बढ़कर वीडियो मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाय बाय, लव यू।